गुड मॉर्निंग क्लास अ वेरी वॉम वेलकम टू ऑल ऑफ यू दिस इज दिव्यांशु पांडे फैकल्टी ऑफ जी के एट एस एस बी क्रैक एग्जाम तो आप सभी डिफेंस स्टूडेंट को सबसे पहले नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हैप्पी न्यू ईयर लगातार आप सभी क्लास से जुड़ते जाइए और इस साल की 2023 की हमारी ये डिफेंस करंट अफेयर की पहली क्लास है जहाँ पर इस क्लास में हम ईयर इंड रिव्यू कवर करेंगे जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि टोटल सिक्स क्लास सिक्स पार्ट्स में हम अपने डिफेंस आर्म फोर्सेस का रिव्यू करने वाले हैं जिसमें आज हमारी इंडियन आर्मी की पार्ट फर्स्ट की ईयर रिव्यू है। तो 2022 में जितने भी इवेंट्स आपके आकर हुए हैं उन सभी को आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं तो सभी जुड़ जाइए अंकुर ज्योति विग्नेश हिमांगी रावण वैभव शुभदीप सचिन पवन धनंजय तो चलिए सभी को हैप्पी न्यू ईयर जय हिंद और इसी के साथ चलिए शुरुआत कर लेते हैं क्लास की और तो इससे कि पहले की क्लास में यानी कि सैटरडे की क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन ऑफ द डे भी दिया था उसको बिल्कुल ना भूलिए और क्वेश्चन ऑफ द डे था कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द एयरक्राफ्ट इस क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर दे लीजिए उसके बाद हम क्लास पर चलते हैं रीतिका वेरी गुड और बाकी सभी आंसर देते जाइए क्वेश्चन ऑफ द डे का सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट इज सुखोई सु फिफ्टी सेवन सुखोई कहां का आपका एयरक्राफ्ट है रशिया का है ये आपके फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है रशिया के जिसको सु थर्टी कहा जाता है डबल इंजन वाला एयरक्राफ्ट है टॉप स्पीड 2778 किलोमीटर की है पर आर रेंज 3600 किलोमीटर यानी कि इसका जो रेडियस रहेगा वो कितना रहेगा आपका 3600 किलोमीटर रहेगा वेट 18400 का है और वहीं इसमें आपके जो इंजन लगा हुआ है वो सैटर्न एएल31 का है मैन्युफैक्चरर कंपनी सुखोई है और अब इंडियन एयरफोर्स ये आपका सोच रही है कि हमारी भारतीय वायुसेना में कैसे सुखोई फिफ्टी थर्टी फाइव के जो है आपके इंजन्स को हम अपने सुखोई में लगा सके सुखोई थर्टी में लगा सके तो उसके लिए भी अभी काम आपका जारी है बाकी अब मैंने बताया भी था कि जो हमारा सुखोई है सुखोई थर्टी है उसमें आपका ब्रह्मोस मिसाइल को भी किया जा रहा है ना टोटल टू हंड्रेड के पास अभी हैं तो यह था आपका क्वेश्चन जा किया जाएगा तो अभी तक आप मंथली करंट अफेयर की क्लास में आते रहे हो जहां पर पूरे मंथ का हम देखते थे अब ये ईयर इंड रिव्यू पूरे ईयर का कंपाइलेशन है तो इसको पार्ट फर्स्ट और पार्ट कवर किया गया है जहाँ पर पार्ट पार्ट फर्स्ट आज आपको कवर कराऊंगा पार्ट सेकंड आपको कल ठीक है तो सभी लोग अपनी कॉपी पेन लेकर तैयार रहिए जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीजें लगें उसको नोट करते जाइए और आर्मी से रिलेटेड काफी चीजें इस साल यानी कि पिछले साल आपकी कंडक्ट हुई हैं कवर हुई हैं उसी को हम आज इस आज के इस क्लास में कवर करेंगे तो चलिए इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं आज के इस सेशन की अपने पहले इवेंट के साथ तो पहला इवेंट मैं आपके की अपॉइंटमेंट से स्टार्ट करूंगा। तो सबसे बड़ा इस साल किसका था? रावत की के बाद ये जो रैंक थी वो दस महीने तक आपकी खाली पड़ी रही भारत सरकार ने नोटिफिकेशन भी रिलीज की थी और कहा था कि अब सी डी थ्री स्टार जनरल भी बन सकता है और उन्होंने अमेंडमेंट भी लाया था उसके बाद ही से आपका जनरल अनिल चौहान को सितंबर मंथ में भारत का दूसरा चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ आपका नियुक्त किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीडीएस के पद का सृजन हो सके तो उसके लिए 15 अगस्त 2019 को लाल किले के प्राचीर से ये आवाहन किया था कि भारत को अब जल्द ही क्या मिलेगा सी का पद मिलेगा जिससे कि हमारी तीनों ही सेनाओं में तालमेल बेहतर तरीके से हो सके और वो किसी परिस्थितियों का मुकाबला मिलकर आसानी से कर सकें इसके साथ ही साथ जो सी रैंक होती है वो आप सभी जानते हो कि ये फोर स्टार जनरल की रैंक हुआ करती है और ये रैंक इंडियन आर्मी के जनरल नेवी के एडमिरल और एयरफोर्स के चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के इक्वलेंट रहा करती है ओके okay? और जो सी होता है वो डी का हेड होता है वॉट इज डी सो इट इज अ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ठीक है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ही आपका क्रिएट किया गया है और इस डिपार्टमेंट में सी डी एस एज अ सेक्रेटरी वर्क किया करता है तो हर चीजें आपको पता रहनी चाहिए 1999 में करगिल वॉर के बाद करगिल रिव्यू कमेटी के सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में आपकी बैठाई गई थी जहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि प्रस्ताव रखा था कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद का के वैकेंसी का क्रिएशन भारत में होना चाहिए और भारत के अलावा इटली फ्रांस चाइना यूके, अमेरिका कनाडा जापान इन सभी देशों में सीडीएस की वैकेंसीज हैं ओके सीडीएस के पद हुआ करते हैं तो अब भारत में भी आपका ये आ गया है और सी जो हमारी होती है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जिसको चेयर कौन करता है भारत के प्रधानमंत्री किया करते हैं जिसमें वित्त मंत्री रक्षा मंत्री आपके एन ये सभी शामिल रहते हैं डिफेंस सेक्रेटरी रहते हैं तो 24 दिसंबर 2019 को ये फैसला लिया था कि हमको जो है अब सी का गठन करना है तो फर्स्ट ऑफ जन 2019 2020 को जो है भारत के पहले सी जनरल बिपिन रावत बनाए गए थे अब चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा की पे तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जनरल नरवणे को रिप्लेस करते हुए भारत के ट्वेंटी नाइन्थ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अब कौन बन गए हैं जनरल मनोज पांडे बन गए हैं तो अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी टू में इनको इस पद आपका दिया गया है इससे पहले ये आपके वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे और हमारी जो ट्राई सर्विसेज आर्म फोर्सेस की है अंडमान ए निकोबार वहाँ के भी कमांडांट रह चुके हैं अगला जो की अपॉइंटमेंट है वो हमारी डिफेंस सेक्रेटरी से रिलेटेड से है तो अभी अब आपके नए जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उनका नाम है श्री गिरिधर अरमानी ओके ही इज अटीन एटी एट आई एस बै आई एस ऑफिसर जो कि आपके आंध्रा से आते हैं और इन्होंने डॉक्टर अजय कुमार ये डॉक्टर अजय कुमार हैं इनको रिप्लेस किया है और अब नए डिफेंस सेक्रेटरी कौन है रक्षा सचिव कौन है श्री गिरधर अरमानी है तो याद रखे रहिए डिफेंस सेक्रेटरी सबसे महत्वपूर्ण पद होता है अगर हम टॉप मिनिस्ट्रीज देखें जैसे कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देख लें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देख लें ना तो किसी भी मिनिस्ट्री में जो सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट होती है वो आई ऑफिसर के लिए सबसे बड़ी मानी जाती है अगला की अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर से रिलेटेड है सो so, श्री विजय कुमार सिंह 1990 नाइनटी बैच ऑफिसर एज यूम चार्ज एस सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर इन सेप्टेम्बर ही सक्सीडेड 1987 बैच आई ऑफिसर श्री बी आनंद तो एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ये डिपार्टमेंट भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ही है जहाँ पर ये डिपार्टमेंट हमारे जितने भी वेटरिन सोल्जर्स हैं उनसे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क होते हैं उनको देखा करता है तो इसकी अभी नई सेक्रेटरी इनको आपका बना दिया गया है चलिए अब आगे बढ़ते हैं अभी थोड़े दिन पहले दो तीन दिन पहले आ, वन रैंक वन पेंशन क्या है उस पर रिलेटेड वीडियो हमने रिलीज की थी मेरे ख्याल से आप सभी ने देखा भी होगा और आपके करंट अफेयर की क्लास में भी मैंने इसको पढ़ाया था तो देखिए यूनियन कैबिनेट ने पेंशन का रिवीजन आर्म फोर्सेस के पेंशनर के लिए कर दिया है तो ये आपका दूसरा रिवीजन है और काफी बड़ा रिवीजन है जिससे कि जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं ऑफिसर्स हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं और उनको हर समय के बराबर एक फिक्स्ड और इक्विवेलेंट आपकी पेंशन मिल सके तो इसके लिए उन्होंने ओ का प्रस्ताव रखा था भारत सरकार ने उसको माना भी था और अब फर्स्ट ऑफ जुलाई 2019 से इस पेंशन को रिवाइज कर दिया गया है इस पेंशन में आपके जितने भी आर्म फोर्सेस के विडोज हैं या फिर आपके बैटल कैजुअलिटी वाले लोग हैं ना फैमिली पेंशनर्स हैं उन सभी को शामिल किया गया है अब देखते हैं इसका पर्सनल रिटायर्ड अप थर्टी एट जून 2019, जिसमें प्री मेच्योर रिटायरमेंट को हटा दिया गया है विल बी कवर्ड अंडर दिस रिवीजन, जिसमें टोटल अब हमारे पेंशनर्स की जो नंबर है स्ट्रेंथ है वो 25.13 लाख की हो चुकी है और इस बार इसमें 4.52 पॉइंट लाख न्यू बेनिफिशरीज आपके जुड़े हैं जिसमें आपके आर्म फोर्सेस पेंशनर पेंशनी पेंशनर्स इससे बेनिफिट किए जाएंगे भारत सरकार को 84,550 करोड़ रुपए का एडिशनल लाभ का इस बार खर्च आएगा और अगर हम देखें वन रैंक वन पेंशन में तो ये आप लिस्ट देख सकते हो जहां पर पहले मेजर की पेंशन 2016 के अकॉर्डिंग 61,205 हुआ करती थी अब वो बढ़कर 70,827 कर दी गई है यानी कि नौ हजार रुपये बढ़ाया लेफ्टिनेंट कर्नल एटी फोर थाउजेंड थी अब पहले एट थाउजेंड कर्नल पहले 7,000, टू थाउजेंड ब्रिगेडियर 96,000 थी ट्वेल्व थाउजेंड कर दी गई मेजर जनरल थाउजेंड थी वन लाख ट्वेल्व थाउजेंड करी गई है ओके और लेफ्टिनेंट जनरल वन लाख वन थाउजेंड थी अब इनकी वन लाख फिफ्टीन थाउजेंड की गई है तो ये तो आपने ऑफिसर्स का देखा इसी तरीके से आपका अदर रैंक्स का भी है जैसे सीपॉय पहले लगभग सेवेंटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड अब ट्वेंटी थाउजेंड नायक एटीन थाउजेंड अब इनका ट्वेंटी वन थाउजेंड लगभग ट्वेंटी टू थाउजेंड हवलदार ट्वेंटी थाउजेंड अब इनका ट्वेंटी टू थाउजेंड नायब सुबेदार ट्वेंटी फोर थाउजेंड टू थाउजेंड सिक्सटीन के अकॉर्डिंग अब इनका ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइन्टी सेवन कर दिया गया है और जो सुबेदार मेजर की रैंक है थर्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स थी टू थाउजेंड सिक्सटी के अनुसार अब थर्टी एट थाउजेंड एट हंड्रेड सिक्सटी थ्री तो ये अभी तक का सबसे बड़ा आर्म फोर्सेस में रिफॉर्म देखा जा रहा है क्योंकि काफी लंबे समय से मांग थी मान लीजिए पहले कोई आपका ऑफिसर वो कर्नल रैंक का है सन 2000 में रिटायर करता है और कर्नल रैंक का ये ऑफिसर 2010 2015 2020 में रिटायर करता है तो तीनों की जो सैलरीज होंगी पेंशन्स होंगी उनमें काफी डिफरेंस देखा जाएगा महंगाई तो अपने हिसाब से बढ़ रही है तो पेंशन भी तो सेम रहनी चाहिए जो अभी वालों की पेंशन है वो पहले वालों की पेंशन होनी चाहिए यही डिमांड था और इसी को हम वन रैंक वन पेंशन कहा करते हैं वन रैंक वन पेंशन से आने से पहले ये जितने भी आर्म फोर्सेस के हैं वो पे कमीशन के अकॉर्डिंग पे कमीशन के रिकमेंडेशन पर वेतन पाया करते थे ठीक है अभी तक सेवन्थ पे कमीशन तक आ चुका है हर दस साल में एक बार पे कमीशन आता है अब जल्द ही आपका आएगा पे कमीशन भी लेकिन अब पे कमीशन के अनुसार इनको वेतन नहीं दिया जाएगा पेंशन नहीं दिया जाएगा बल्कि ओ आर ओ पी के तहत पेंशन दिया जाएगा मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गया होगा जितने भी बच्चे क्लास से जुड़े हैं सबसे पहले क्लास को लाइक और शेयर करते जाइए ठीक है तो पहली क्लास है आपकी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री की और आप में से जो पुराने बच्चे हों जो काफी समय से जुड़े हैं ना उनको याद होगा कि फिफ्थ जैन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी टू को मैंने पहली क्लास एस एस बी क्रैक एग्जाम में ली थी ठीक है और वो पहली क्लास आपकी ईयर एंड रिव्यू की थी ईयर एंड रिव्यू इंडियन आर्मी की तो आज तो आपका सेकंड जैन है ना लगभग लगभग लग 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 साल हो रहे हैं शुरुआत तो अब जो हमारा नेक्स्ट इवेंट है उस पर हम जाएंगे मेजर एक्सरसाइजेस ऑफ इंडियन आर्मी आप सभी के क्वेश्चन काफी रहते हैं सर कुछ ऐसा पढ़ाइए कि पूरा एक ही में एक्सरसाइज कवर करा लीजिए तो इसीलिए आर्मी नेवी एयरफोर्स को मैंने पार्ट वाइज सब डिवाइड कर दिया है तो इस क्लास में इंडियन आर्मी की 2022 में जितनी भी एक्सरसाइज हुई हैं सबको मैं कवर करूंगा। ओके तो सीट बेल्ट बांध कर बैठ जाइए अब शुरुआत करते हैं एक्सरसाइजेस की तो पहली एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास 2022 तो युद्ध अभ्यास के नाम से ही आप जानते होंगे कि ये एक्सरसाइज हर साल भारत और अमेरिका के बीच में आपके कंडक्ट की जाती है और एक्सरसाइज जो है उत्तराखंड में आपकी की गई थी और इसका एटीन एडिशन था याद रखिएगा ठीक है 2021 में जो एक्सरसाइज थी उसको अक्टूबर मंथ 2021 में अमेरिका के अलास्का में कवर किया कंडक्ट किया गया था जिसमें दोनों देशों की सेनाएं आपकी भाग ली थी एक्सरसाइज का मेन मोटिव ये होता है कि दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो एक दूसरे के साथ बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक्सचेंज कर सकें उनसे टैक्टिक्स टेक्निक्स सीख सकें और जितने भी आर्म फोर्सेस में प्रोसीजर्स मैनेजमेंट होते हैं उनकी नॉलेज ले सकें तो भारत और अमेरिका के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में अमेरिका की तरफ से सेकेंड ब्रिगेड इलेवेंथ एयरबोर्न डिवीजन शामिल था और इंडियन आर्मी की तरफ से हमारी असम रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट आपका किया नेक्स्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद ऑस्ट्रा हिंद यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के मिलिट्री के बीच कंडक्ट की जाने वाली ओके तो एक्सरसाइज 28 से लेकर ग्यारह दिसंबर दो हजार बाईस तक चली ना और ये एक्सरसाइज महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में आपकी कंडक्ट की गई थी काफी लंबी एक्सरसाइज आपकी चली है लगभग चौदह इसमें दोनों देशों की आर्मी ने पार्टिसिपेट किया है इस बार के एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उनके थर्टीन ब्रिगेड ऑफ सेकेंड डिवीजन ने पार्टिसिपेट किया और इंडियन आर्मी की तरफ से हमारी डोगरा रेजिमेंट ने आपका पार्टिसिपेट किया है ठीक है और आगे बढ़ते हैं तो ये भी एक्सरसाइज आपकी राजस्थान में ही कंडक्ट हुई है याद कर लीजिए ना क्योंकि आपसे दो तीन चीज जरूर पूछी जाएगी पहला एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच होती है दूसरा कौन सा एडिशन था तीसरा कहाँ पर कंडक्ट की अगर आर्मी और एयरफोर्स के बारे में पूछा जा रहा है तो दो चीजों का ध्यान बिल्कुल रखिएगा ठीक है तो युद्ध अभ्यास हो या फिर आपका औस्ट्रा हिंद हो ये दोनों आपका ये तो आपकी राजस्थान में कंडक्ट हुई थी चलिए आगे बढ़ते हैं तो डोगरा रेजिमेंट के बारे में देख लें तो डोगरा रेजिमेंट 1877 से अभी तक प्रेजेंट है इनका टाइप अगर हम देखें लाइन इन्फेंट्री है रेजिमेंटल सेंटर उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में है इनका निक नेम जेंटलमैन वॉरियर्स है जिन्होंने ऑस्ट्रा हिंदी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया मोटो इनका कर्तव्यम अनंतवम वॉर क्राई ज्वाला माता की जय और मैस्कॉट इनका क्या है टाइगर है ओके चलिए अब अदर एक्सरसाइजेस विध ऑस्ट्रेलिया देख लेते हैं तो याद कर लीजिए सभी को एक साथ एक्सरसाइज काकाडू काकाडू का मतलब होता है मगरमच्छ मच्छ ना तो ये नेवल एक्सरसाइज है ऑसी इंडेक्स ये भी नेवल एक्सरसाइज है पिच ब्लैक एयरफोर्स की एक्सरसाइज है मालाबार क्वाड कंट्रीज की मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है क्लियर हो गया आप सभी को अब आते हैं एक्सरसाइज कजिंद पे ठीक है कजिन आप सभी जानते हो इस बार कज़िन का सिक्स एडिशन जो है भारत के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट मेघालय उमरोई में 15 से लेकर 28 दिसंबर तक आपका कंडक्ट किया गया कज़िन जिसको पहले क्या कहते थे प्रबल दोस्ती कहते थे 2016 में एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट हुई थी 2018 में इसका नामकरण बदल दिया गया ठीक है रीनेम कर दिया गया एज अ एक्सरसाइज कजिन तो इस एक्सरसाइज में इंडिया के तरफ से इलेवन गोरखा राइफल्स आपके प्रेजेंट हुए थे इसका भी मेन एम ये है कि दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर बेस्ट टेक्निक्स को एक्सचेंज कर सकें और जंगल सिनेरियो और सेमी अर्बन वॉरफेयर में अपने आप को बेहतर बना सकें अगली एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज वोस्तोक 2022। तो वोस्तोक एक्सरसाइज उस समय हुई जब आपका रशिया और यूक्रेन का वॉर एकदम पीक पर था और रशिया ने इस एक्सरसाइज को एक से लेकर सात सितंबर 2022 तक आपका कंडक्ट किया जिसमें भारत चाइना और एसियो कंट्रीज आपके इसमें शामिल थे ओके और इस आपके एक्सरसाइज में भी सेवन एट गोरखा राइफल्स के जवानों ने पार्टिसिपेट किया जिन्होंने आपका ज्वाइंट फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज कॉम्बैट डिस्कशन और फायर पावर एक्सरसाइज में अपने आप को पार्टिसिपेट करवाया अगली एक्सरसाइज है हमारी हरिमाव शक्ति ओके काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है तो ये एक्सरसाइज ट्वेंटी एट नवंबर को कंडक्ट की गई और 22 और आपका ट्वेल्थ दिसंबर तक आपकी ये चली इस बार की हरिमाऊ शक्ति एक्सरसाइज जो है आपके मलेशिया के कुलांग में कंडक्ट की गई थी भारत और मलेशिया की आर्मी के बीच में ये एक्सरसाइज 2012 से ही चली आ रही है ठीक है और इस बार भी इस एक्सरसाइज में गढ़वाल राइफल्स इसके शामिल थे तो अभी हम देख रहे हैं ना गढ़वाल हो गोरखा हो इनको ज्यादा आपका ले जाया जाता है बाहर बाहर के देशों में तो अगर आपको भी एक्सरसाइज ज्यादा करनी है गोरखा या फिर गढ़वाल राइफल्स में चले जाइए तो इस एक्सरसाइज में हरिमाव शक्ति में दोनों देशों ने ज्वाइंट सेंटर शेयरिंग एक्सपर्टीज किया टेक्निकल डिमॉन्स्ट्रेशन अपने हथियारों का किया कैजुअलिटी मैनेजमेंट और कैजुअलिटी इवैक्यूएशन का प्रोसेस कैसे कर सकें उस पर दोनों देशों ने जोर दिया गढ़वाल राइफल्स को देखें फिफ्थ में एटीन को फॉर्मेशन हुई हेडक्वार्टर इनका लैंस में है रेजिमेंटल सेंटर आपका उत्तराखंड में है वॉर क्राई बद्री विशाल लाल की जय विक्ट्री टू द ऑफ द लॉर्ड बद्रीनाथ ना मोटो इनका युद्धाय कृत निश्चय फाइट विद और इनका मिल्टेस क्रॉस अशोक एम्बल तो यहां से आपने कंडेट कवर कर लिया अब मलेशिया के साथ हम और अलग अलग कौन सी एक्सरसाइज कवर करते हैं तो सबसे पहला तो आपके कौन सी हो गई हरिमाऊ शक्ति आर्मी के बीच फिर इंडिया रॉयल मलेशियन नेवी बायलेटरल एक्सरसाइज और हॉप एक्सरसाइज एयरफोर्स वाली तो ये आपकी तीन हैं ठीक है सभी को समझ में आ रहा है ना बच्चों नोट डाउन करते रहिएगा पीडीएफ में क्लास के बाद आपको दे दूंगा तो उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा कुछ भी छूटना नहीं चाहिए नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर 2022 तो एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर काफी कम लोग जान रहे हैं और ये एक्सरसाइज आपकी भारतीय थल सेना और सिंगापुर के आर्मी के बीच महाराष्ट्र के देवलाली जो स्कूल ऑफ आर्टिलरी आर्टलरी है वहां पर कंडक्ट की गई थी ठीक है द ज्वाइंट एक्सरसाइज इंक्लूडेड स्टेब्लिशमेंट ऑफ अ ज्वाइंट कमांड पोस्ट ज्वाइंट सर्वेलेंस सेंटर शेयरिंग एक्सपर्टीज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एरियल एसेट टेक्निकल और कैजुअलिटी मैनेजमेंट साथ ही साथ फायर पावर एक्सरसाइज हम कैसे कर सके आर्टिलरी की मदद से दुश्मन के खेमे में हड़कम कैसे मचा सके तो ये एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर इसको नाम दिया गया जो कि दोनों भारत और सिंगापुर के बीच आपका कंडक्ट किया गया इसके अलावा सिंगापुर और भारत के बीच सिंबेक्स एक्सरसाइज जिसका फुल फॉर्म सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलेट्रल एक्सरसाइज है नेवीज के बीच होता है सिटमैक्स एक्सरसाइज ट्राइलेट्रल एक्सरसाइज सिंगापुर इंडिया थाईलैंड मैरीटाइम एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर अभी आपने देख लिया और इसके अलावा बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज होती है तो टोटल आपकी चार एक्सरसाइज ठीक है थीके? इसके अलावा ये दोनों देश आपकी काफी कई मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में भी मिला करते हैं लेकिन मेन तो आपका ये है इसको आपको याद करते चलना है एग्जाम में क्वेश्चन आए तो फटाफट आप सभी जवाब दे लीजिएगा नेक्स्ट है हमारी सूर्यकिरण एक्सरसाइज तो देखिए हमारा प्यारा पड़ोसी नेपाल के साथ हमने इस बार सिक्सटींथ एडिशन एक्सरसाइज सूर्यकिरण आपका नेपाल के आर्मी बैटल स्कूल साल सालझां नेपाल में 16 से लेकर 29 दिसंबर तक आपका कवर किया ठीक है, है? सूर्य किरण का नेशन इस बार आपका कंडक्ट हुआ है और दोनों देशों के बीच एनुअली होती है जिससे कि दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर इंटर ऑबरबिलिटी जंगल वॉरफेयर काउंटर टेरिज्म को एनहेंस कर सके और यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग मैंडेट को आगे बढ़ा सके तो काफी अहम एक्सरसाइज है और एकमात्र एक्सरसाइज है जिसको हम आपके नेपाल के साथ करते हैं ठीक है अच्छा बताओ नेपाल के अभी के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं अभी परसों ना? ना, नेपाल? नेपाल आर्मी सोल्जर्स श्री भवानी बक्ष बटालियन एंड इंडियन आर्मी फाइव जी आर गढ़वाल राइफल्स ना पार्टिसिपेटेड इन द एक्सरसाइज तो इसमें भी गढ़वाली ही गए हैं तो देख लीजिए चाहे वो आपका काउंटर टेररिज़न ऑपरेशन हो ह्यूमटेर रिलीफ हो ना काउंटर इंसर्जेंसी हो इन सभी एक्सरसाइज को जो है इस बार के इंडिया और नेपाल के बीच कंडक्ट किया गया है गोरखा सॉरी ये जी आर गोरखा रेजिमेंट था ठीक है गढ़वाल राइफल्स आपका नहीं था इंडिया फ्रॉम टू थाउजेंड इलेवन एवरी ईयर अंडरटेक्स ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विथ नेपाल एज सूर्य किरण अब जी हाँ पुष्प कमल दहल प्रचंड क्या नाम है ना ऐसा नाम बच्चों आप भी रख लो पुष्प कमल दहल प्रचंड चलो चलो बच्चों एक खुशखबरी आ गई है अच्छी बात है बाकी आप सब पढ़ते रहो पढ़ने से ज्यादा आपके लिए बड़ी बात कुछ और नहीं है ठीक है और बताओ सभी ने ईयर कैसे मनाया कहां, कहां उस पर आज हाँ झुकेगा नहीं साला, चलो भैया एक्सरसाइज खान खुश की तरफ चलते हैं तो ये तो आपको मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है कई बार मैं बता चुका हूं कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज अगर आप एक्सरसाइज देखोगे ना तो उनके थ्री टाइप्स होते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसको कवर कर लेते हैं सबसे पहला है आपका डोमेस्टिक ठीक है जिसको कहते हैं घरेलू युद्ध अभ्यास जिसको हम घर में ही करेंगे अपने भारत में ही करेंगे ना और किसी दूसरे देश के साथ नहीं करेंगे अपनी ही सेनाओं के साथ करेंगे पुलिस के साथ कर लेंगे बी के साथ कर लेंगे कोस्ट गार्ड के साथ कर लेंगे दूसरी एक्सरसाइज होती है बायोलेटरल एक्सरसाइज ना बाई का मतलब दो बाइनोमियल थ्योरम आपने पढ़ी होगी द्विपद प्रमेय तो उसमें दो लोगों का होना जरूरी है ना यानी कि दो वेरिएबल्स आपको चाहिए और तीसरी आपकी मल्टीनेशनल तो मल्टीनेशनल इट इज अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ठीक है जिसमें दो से ज्यादा देश होते हैं हाँ नया बस कैलेंडर आया बाकी सब वही है अच्छा एकेडमी में डांस किए वाह नॉर्मल डे क्रिकेट खेले सर और क्या क्या किए मेट्रो वॉक इन न्यू दिल्ली रोहिणी सेक्टर इलेवन हाँ सर घर में ही रहे चार वॉल्स के बीच में चार दीवारों के बीच में सर पार्टी में गए अच्छा ठीक है चलो अच्छी बात है मैं भी कल दर्शन करने गया काशी विश्वनाथ बनारस अच्छा रहा दर्शन काफ़ी भीड़ थी ना अभी पढ़ लीजिए अच्छे से तीन महीने आप सभी के पास हैं और एन डी सी डी एस एम एन एस जितने भी आपके जो भी एग्ज़ाम है उसको निकाल लीजिए फिर हर दिन आपका नया साल ही मनेगा ठीक है जमकर पढ़िए तो खान क्वेस्ट एक्सरसाइज इस बार आपकी सिक्स जून से लेकर ट्वेंटी जून तक आपकी चली है जिसमें आपकी सिक्सटीन कंट्रीज शामिल थी कितनी कंट्रीज आपकी शामिल थी सिक्सटीन कंट्री और इस बार के एक्सरसाइज में आपकी भारत की तरफ से लद्दाख स्काउट की टीम आपकी गई हुई थी अच्छा ये बताओ ये जो आपकी खान एक्सरसाइज थी ये याद कर लीजिएगा मंगोलिया कंडक्ट होस्ट करता है ना और इस बार की एक्सरसाइज ये उलान बतार में कंडक्ट हुई थी चलिए ठीक है जू जू गए थे अब जू अपने आपको देखने गए थे क्या सूरभ बताओ कुछ नहीं मिला तो जू जा रहे हैं सर वाह चलो एक्सरसाइज विन बैक्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है मैंने पढ़ा चुका हूं आपको वियतनाम इंडिया ियन असिस्टेंट इन डिजास्टर रिलीफ फोर्स तो भारत और आपके वियतनाम के बीच ये एक्सरसाइज भारत के ही चंडी मंदिर में कंडक्ट की गई और जो नेक्स्ट एडिशन है वो वो जो है आपके वियतनाम में वियतनाम के द्वारा होस्ट की जाएगी ओके द नेक्स्ट एडिशन ऑफ विल बी होस्टेड बाई ना, क्लियर हो गया होगा आपको अच्छा ज्योति कहाँ घूमने गई थी बताओ सर इधर के स्पिरिट हैं, ज्योति बताओ 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 ठीक है चलिए तो विनबैक्स के बारे में क्लियर हो गया और एक चीज़ और आपको बता दूँ आज की जो आपकी आर्मी फर्स्ट पार्ट की जो क्लास है वो तो मैं करवा ही रहा हूँ उसमें तो कोई दिक्कत की बात है नहीं दूसरा और इसकी पी भी आपको मिलेगी तो वहाँ से आप एक्सरसाइज देख लोगे नहीं तो जिस चैनल पर आप रोज आते हो डेली डिफेंस करंट अफेयर ये तो आपका मैन मेन चैनल है तो मेन चैनल में देख रहे हो ना आज बच्चे भी थोड़ा बढ़े हुए हैं प्रतीक सर के भी क्लास हुई है तो वहाँ पर सभी वीडियो जितने भी हैं वो आर्मी आर्म फोर्सेस से रिलेटेड है और पूरे मैंने एक्सरसाइज भी की वीडियो वहां पे बना के रखी हुई है तो वहां पे भी आप एक, एक, बार जाकर देख लोगे अगर आप थंबनेल भी सब सिर्फ सर्च करोगे ना आपको खुद पता चल जाएगा अच्छा एक्सरसाइज भारत वियतनाम के बीच सूर्य किरण भारत नेपाल के बीच युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका के बीच ना तो ये भी आपका रिविजन करने का काफी आसान तरीका है क्योंकि हर वीडियोस हम पोस्ट कर देते हैं यूट्यूब पर बस आप उस वीडियो को एक बार देख लो एक महीने बाद भी आप भूले बिसरे अगर हमारे चैनल पे जाओगे जब स्क्रॉल करते जाओगे तो आपको हर चीजें फिर से रिवाइंड होती जाएंगी अच्छा सर ने ये बताया था ठीक है काफी आसान तरीका है अगली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज लैमी है, ओके तो ये एक्सरसाइज भारत और सशल्स के बीच में कंडक्ट होती है दोनों देशों की आर्मी के बीच में इस साल इस साल नहीं पिछले साल दो में इसका नाइन्थ एडिशन आपका मार्च में कंडक्ट किया गया था जिसमें ये लेकर थर्टी फर्स्ट मार्च तक आपकी चली थी नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज संप्रीति तो संप्रीति एक्सरसाइज एनुअली इंडिया और बांग्लादेश के आर्मी के बीच में कंडक्ट होती है इस बार इस एक्सरसाइज का टेंथ एडिशन आपका कंडक्ट किया गया था और कहां पर एक्सरसाइज हुई थी ये एक्सरसाइज बांग्लादेश में जाशोर मिलिट्री स्टेशन में कंडक्ट करवाई गई थी ठीक है जैसे सूर्य किरण नेपाल में हुई संपृति आपके बांग्लादेश में हुई तो इसको आप पढ़े रहिए समझे रहिए अब यहां तक हमने आर्मी की एक्सरसाइज कवर कर ली है ओके आर्मी एक्सरसाइज हमने कवर कर ली जो 2022 में हुई थी अब उसमें कुछ आपकी डोमेस्टिक एक्सरसाइज भी थी जैसे पर्वत प्रहार है सिंघी है ना तो ये सब भी है नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ा दूंगा बाकी मैंने तो काफी बार आपको पढ़ाया हुआ है अब माँ भारती के सपूत पोर्टल तो देखिए माँ भारती सपूत पोर्टल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फोर्टीथ फोर्टीन अक्टूबर 2022 को आपका लॉन्च किया था और ये पोर्टल किसके लिए हमारे आर्म फोर्सेस के ऐसे पर्सनल जो कि आपके बैटल क्विटी ना में घायल हो गए हैं और उनको आर्थिक सहायता देनी है तो उसके लिए आपका किया गया वैसे तो ये 2016 से ही लॉन्च था लेकिन एक प्रकार से नया पोर्टल इसमें फिर से जोड़ा गया है और इसके जो एम्बेजर किसको बनाया गया है श्री अमिताभ बच्चन जी को बनाया गया है तो इसमें देखिए अगर आपको भी कंट्रीब्यूशन देना है तो आप कर सकते हो तो आजकल फेसबुक में चलता है ना कि जो इस पोस्ट को लाइक ना करे वो मर जाए या फिर आपको नौ बार नौ लोगों को करना है तभी आपकी शादी होगी तो भैया उन पोस्टों से अच्छा इसी पोस्ट को अगर आप जो है फॉरवर्ड कर लें बढ़ा लें तो किसी का भला हो जाए तो यह है आपका अकाउंट नेम आर्म फोर्सेस बैटल कैजुअलिटी वेलफेयर फंड अकाउंट नंबर दिस 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 बैंक कैनरा बैंक साउथ ब्लॉक दिल्ली आईएफएससी कोड ये है और ये आपका पोर्टल है ठीक है पोर्टल में जाके आप योगदान दे सकते हो अच्छा मुझे पार्टी देनी चाहिए आप सभी पार्टी कर लो बिल मुझको भिजवा देना ठीक है पार्टी कर लो आप सभी पुनीत सागर अभियान तो इस बार का आपका कौन सा एग्जाम आया था एनडीए या सीडीएस का एग्जाम था और सीएपीएफ के एग्जाम में भी पुनित सागर अभियान से क्वेश्चन पूछा गया था मैंने पढ़ाया भी था तो देखिए एनसीसी नेशनल कैडेट कोर एंड यूनाइटेड नेशन एजुकेशन प्रोग्राम साइंड द एम ओ यू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द प्रेजेंस ऑफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन न्यू डेली ऑन 2022 टू टैकल द इशू ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन एंड अचीव द यूनिवर्सल गोल ऑफ क्लीन वाटर बॉडीज थ्रू पुनीत सागर अभियान एंड टाइट टर्नर्स प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम तो पूरे भारत में एनसीसी के कैडेट्स ने पुनीत सागर अभियान किया जिससे कि जो प्लास्टिक्स हैं वेस्ट हैं जिसको सब नदी के किनारे फेंक देते हैं और उससे हमारा जो एक्वेटिक एनवायरमेंट है काफी प्रभावित हो जाता है तो उसके लिए एन और यूनियन के बीच आपका ये आ, करार किया गया है ठीक है अब व्हाट आर द पिलर्स ऑफ इंडिया क्लाइमेट चेंज रिसॉल्व आप देख रहे हो कि 2015 में पेरिस क्लाइमेट चेंज की समिट आपकी कंडक्ट की गई थी अभी कॉप भी आपका किया गया था जिसमें पूरा विश्व चिंतित है कि हम कैसे अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व करें प्रिजर्व करें फैसिलिटेट करें ना बचा के रखें तो देखिए द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेजेंटेड फाइव नेक्टर एलिमेंट्स ऑफ इंडिया कॉन्ट्रीब्यूशन टू डील विथ क्लाइमेट चेंज तो इसमें पांच पंच अमृत क्या है पहला इंडिया विल टेक इट्स नॉन फोजल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 हंड्रेड गीगा वॉट बाई ट्वेंटी थर्टी सेकेंड इंडिया विल मीट फिफ्टी परसेंट ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रीनबल एनर्जी बाई ट्वेंटी थर्टी सबसे बड़ा यही बच्चों कि 2030 यानी कि आज से सात आठ साल के बाद हम अपने खपत का अपने नीड का 50% परसेंट जो हमारी एनर्जी रहेगी उसको हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करेंगे अब इससे यह पता चलेगा कि आने वाले पांच छह सालों में तेजी से आप देखोगे जितनी भी सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती हैं चाहे वो टू व्हीलर हो थ्री थ्री व्हीलर तो आप ई रिक्शा तो चलता ही है फोर व्हीलर हो बसेस भी आपकी आ गई हैं सब ईवी हो जाएंगी ठीक है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो जाएंगे जिससे कि भारत जो दूसरे देशों से सऊदी से ईरान से कतर से रशिया से इनसे जो ऑयल इंपोर्ट करता है वो हम नहीं करेंगे या फिर अब मान लीजिए सौ रुपए का कर रहे हैं तो उस समय पचास या साठ रुपए का ही करेंगे जिससे कि हमको हमारा पैसा भी बचेगा और हम नीट क्लीन एनर्जी जनरेट भी कर पाएंगे और अब बुरा दौर किसका शुरू होगा उनका शुरू होगा जो कि अपने देश की इकोनॉमी तेल पर बिल्ड किए हुए हैं ना तेल पर तो उन्होंने कर लिया लेकिन शिक्षा पे नहीं किया एजुकेशन पे नहीं किया एजुकेशन ही तो टेक्नोलॉजी को आपका इन्वेंट करता है इन्हेंस करता है प्रोवाइड करता है तो भारत आप सभी जानते हो कि स्नेक चार्मर नहीं है अब अब क्या है बच्चों ये माउस चार्मर है ठीक है तो एक क्लिक करके हम दुनिया की दिशा और दशा बदल सकते हैं तो दो प्रायोरिटीज तो आपकी ये हो गई याद रखी रहिए क्योंकि अगर आपके एग्जाम में सेंटेंस के फॉर्म में पूछा जाता है ना विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर करेक्ट और इनकरेक्ट रिगार्डिंग दिलर्स ऑफ इंडिया क्लाइमेट चेंज रिसोल्व तो पढ़ते रहिए तीसरा क्या है इंडिया विल रिड्यूस द टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय वन बिलियन टन्स फ्रॉम नाउ टिल 2030 बाय 2030 इंडिया विल रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी बाय मोर देन 45% एंड सबसे इंपॉर्टेंट बाय 2070 इंडिया विल अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो चाइना और अमेरिका ने कहा कि हम 2060 तक करेंगे भारत ने कहा कि हम 2070 तक करेंगे तो देखिए बेहतर तरीके से भारत आगा आपका आगे बढ़ रहा है और 2030, 35, 40 तक जाते जाते हमारी इकोनॉमी भी काफ़ी बेहतर हो जाएगी टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो हम हो सकता है कि 2070 के पहले भी इसको कर लें और जो हमारे चीफ ऑफ द नेवी स्टाफ हैं ना एडमिरल आर हरि कुमार जी उन्होंने कहा था कि ट्वेंटी तक इंडियन आर्मी को पूरी हंड्रेड कंप्लीटली हम इंडिजीनियस कर लेंगे तो देख लीजिए भारत बदल रहा है आप भी को पढ़ो और रट्टा मार पढ़ाई ना करना है ना कि बस अरट अरट के पास हो गए वर्दी चाहिए रटोगे तो भूल जाओगे लेकिन समझोगे तो जीवन पर्यंत याद रहेगा तो ये आपके फाइव पिलर्स हैं इसको आप देखते जाइए और सिर्फ रिटर्न एग्जाम में ही नहीं बल्कि आपके एस इंटरव्यू में भी अगर आपके पास लेक्चरेट का टॉपिक या फिर जो दो आपकी ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट होती हैं उसमें अगर आप इस पॉइंट्स को ले जाते हो तो आपका जो जी टी ओ ऑफिसर है काफी ध्यान से आपको सुनेगा भी और आपको अच्छे मार्किंग भी देगा ठीक है चलिए अगला इवेंट आपका है डिफेंस एक्सपो का सबसे इंपॉर्टेंट है और इस बार डिफेंस एक्सपो का ट्वेल्थ एडिशन भारत के गुजरात के गांधीनगर में कंडक्ट किया गया था और इस बार डिफेंस एक्सपो की जो थीम रखी गई थी वो थी आपकी पाथ टू प्राइड क्या रखी गई थी प्राइड क्लियर है सभी को ना अठारह से लेकर बाइस दिसंबर तक आपका किया गया सुब्रजीत पूछ रहे व्हाट इज नेट जीरो टारगेट अब देख लो जैसे हम क्या करते हैं आग जलाते हैं कूड़ा जलाते हैं हमारी जो फैक्ट्रीज हैं उनमें से जो पोल्यूशन होता है तो क्या होती है हार्मफुल गैस निकलती है ग्रीन हाउस गैस जिसको कहते हैं सबसे ज्यादा मात्रा कार्बन के होते हैं जिससे कि हमारी फिर ओजोन लेयर डिप्लीट होती है यूवी रेस डायरेक्ट आती हैं जिससे कि क्लाइमेट चेंज होता है कहीं पर देखोगे पानी पानी है कहीं देखो एकदम सूखा पड़ गया है ना फिर देखोगे कि स्किन कैंसर हो रहा है त्वचा रोग हो रहे हैं पता नहीं क्या क्या हो रहा है ओके तो ये सब क्या होते हैं कार्बन के इमीजन के कारण होते हैं ओके सो आवर गोल इज टू रिड्यूस द कार्बन इमिजन बाई ट्वेंटी सेवेंटी और जब कहते हैं हम नेट जीरो यानी कि जीरो पॉइंट वन परसेंट भी हमको कार्बन इमीजन नहीं करना है आज से आप 10-15 साल पहले जाओ ना मेरे ख्याल से तब आप पैदा ही हुए होंगे तो जो बल्ब होता था घर में वो आपका वो वाला होता था फिलिप्स का जो पीला वाला नहीं होता है हंड्रेड वाट का सौ वाट वाला है ना कितना गर्म रहता था फिर उसके बाद कौन सा बल्ब आया आपका सी एफ एल वाला आया अब कौन सा आ गया एलईडी वाला आ गया है ना तो अब ये क्या करता है लाइट भी कम कंज्यूम करता है ना अच्छी खासी हमको एनर्जी भी देता है लाइट भी देता है हम देख भी पाते हैं और हमारे आंखों पे भी इसका कम प्रभाव पड़ता है तो नेट जीरो यही होता है कि हम 2070 तक वर्ष 2070 तक जो है किसी भी तरीके से कार्बन को इमी, इमीजन ना करें कार्बन का इमीजन ना करें अब आप कहोगे सर कैसे कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए तो देख लो एग्जाम्पल जैसे कोल हो गया आपका ना नागपुर प्लेटू की तरफ आप चले जाओ छत्तीसगढ़ झारखंड ना इधर तो वहां पे कोयला ही कोयला है कोयले का खनन होता है फिर कोयले से बिजली बनती है तो भाई कोयले से बिजली क्यों बनाए हम जब अभी हाँ हमारे नेचर के पास यूरेनियम है थोरियम है और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा थोरियम किसके पास है भारत के पास है पूरे वर्ल्ड का वन बाई फोर्थ यानी कि ट्वेंटी फाइव परसेंट थोरियम भारत के पास है अब आप कहोगे सर जब भारत के पास है तो भारत कोयला क्यों इस्तेमाल करता है भैया इसलिए इस इस्तेमाल करते हैं भारत के पास अभी सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास हम ये टेक्नोलॉजी रशिया देता है टेक्नोलॉजी नहीं देता रशिया बना देता है कोई भी देश आपको टेक्नोलॉजी नहीं देगा टेक्नोलॉजी दे देंगे तो आप क्या हो जाएंगे खुद सक्षम हो जाएंगे तो इसलिए मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा अब डिफेंस एक्सपो की तरफ चलते हैं तो डिफेंस एक्सपो जो है आपका इस बार इसका ट्वेल्थ एडिशन जो है कवर कराया गया कंडक्ट करवाया गया अट्ठारह अक्टूबर से लेकर बाईस अक्टूबर तक गांधीनगर गुजरात में याद करे रहा हूँ क्वेश्चन पूछा जाएगा गांधीनगर गुजरात में थीम क्या रखी गई बच्चों पाथ टू प्राइड रखी गई और आप सभी जानते हो कि जो डिफेंस एक्सपो होता है दो साल में एक बार आपका कंडक्ट होता है ना दो साल में एक बार आपका कंडक्ट होता है और इस बार प्रधानमंत्री ने फोर्थ इंडिजनाइजेशन की लिस्ट भी इसमें जारी की साथ ही साथ एयरफोर्स स्टेशन जो दिशा एयरफील्ड है गुजरात में उसका इनग्रेशन फाउंडेशन आपका रखा गया है जो कि पाकिस्तान से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर है और भारत के प्रधानमंत्री ने एस टी ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो इंडियन एयरफोर्स का है जिसको एच ने डिजाइन आपका किया है उसको ले आया है ठीक है अब आते हैं हैं। हम मेजर सक्सेसफुल मिसाइल टेस्ट के बारे में चलते हैं। तो देखिए पृथ्वी सेकंड मिसाइल अ सक्सेसफुल ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड वॉज कैरीड ऑन जून 15 और साढ़े सात बजे इसका लॉन्च चंडीपुर आईटीआर रेंज उड़ीसा में आपका आपका किया गया दिस मिसाइल इज इज अ अ सिस्टम एंड कैपेबल ऑफ ऑफ स्ट्राइकिंग टारगेट वेरी हाई डिग्री अटैक पृथ्वी पृथ्वी के तीन वेरिएंट्स हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पहला आर्मी वाला दूसरा फोर्स वाला आपका वाला दूसरा तीसरा नेवी बैलिस्टिकॉटीएम लॉन्च बाई स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड ना फ्रॉम डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम आईलैंड लोकेटेड इन उड़ीसा इन दी नवंबर 2022 तो ये अग्नि थ्री का था अभी हाल ही में तो हमने अग्नि फाइव का भी किया था जब अभी चाइना वाली चाइना को हमने अच्छे तरीके से बताया था वीडियो वायरल भी हुआ था ना मेरे ख्याल से इस साल की सबसे अच्छी वीडियो वही थी जब भारतीय सेना ने अच्छे तरीके से सूता है वो लोगों को नेक्स्ट आपका है हेलिना ठीक है तो हेलिना मिसाइल का आपका फायर किया गया हेलिना मैक्स मिसाइल आपकी क्या है ये मिसाइल हमारी नाग की एरियल वर्जन है जिसको ध्रुव हेलीकॉप्टर से आपका लॉन्च किया जाता है ठीक है और इसको हिंदुस्तान एयरनॉटिक्स लिमिटेड और इंडियन एयरफोर्स आर्मी के साथ कोलाबोरेट करके बनाया गया है नेक्स्ट आपका है लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट और आपने अगर इसका वीडियो देखा होगा तो आप ये समझ सकते हो कि डीआरडी हमारी कितनी बेहतरीन तरीके से काम करती है ना पाँच छ किलोमीटर के दूर आपका एक टारगेट रखा गया है ना और एकदम पिन पॉइंट ये आपका लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल उस पर आपका हमला करती है तो उसको हम ए कहते हैं और ये जो आप टैंक देख पा रहे उसका नाम है मेन बैटल टैंक अर्जुन मेन बैटल टैंक अर्जुन और इस फायरिंग को जो है के के रेंज ना आपके आर्म फोर्सिस आर, आर्मड कोर सेंटर स्कूल अहमदनगर महाराष्ट्र में आपका अगस्त 2022 में आपका किया गया था सभी को समझ में आ रहा है ना जहां पे भी आपको कुछ क्वेश्चन कुछ हो तो बिल्कुल आप कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा ठीक है और हर चीजों को आप याद करते चले जाइए नेक्स्ट आपका है क्विक रिएक्शन सर्फिस टू एयर मिसाइल सो डीआरडीओ एंड इंडियन आर्मी सक्सेसफुली कंप्लीटेड सिक्स फ्लाइट टेस्ट ऑफ क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल अब यहां पर आपको फुल फॉर्म भी इसका पूछा जा सकता है दूसरा क्वेश्चन तो आर्मी ने आपका की है कहा से की है तो फिर वही उड़ीसा के पास चल देना उड़ीसा के आई टी आर रेंज में चल देना जो भी होता है वही पे होता है ना मोस्टली एटी परसेंट वही पे आपका किया जाता है अगला आपका है मैन पोर्टेबल एंटीटैंक गाइडेड मिसाइल तो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा आप देख रहे हो कि रशिया यूक्रेन के वॉर में किया जा रहा है और इसका सक्सेसफुल जो आपकी लॉन्चिंग है, है जनवरी ग्यारह दो हजार बाईस में डीआरडीओ ने आपका किया था द इंडिजिनली डेवलप्ड एंटी टैंक मिसाइल इज अ लो वेट फायर एंड फॉरवर्ड मिसाइल एंड इट इज लॉन्च फ्रॉम अ मैन पोर्टेबल लॉन्चर इंटीग्रेटेड विथ थर्मल साइट यानी कि रात में भी आप रात के अंधेरे में भी आसानी से हमला कर सकते हो दुश्मन के किसी भी हेलीकॉप्टर ड्रोन को आप निशाना बना सकते हो आसानी से बस इसको कंधे पे ले जाना है एक जगह इसको लगाना है ना बस उसको टारगेट दे देना है बाकी का काम ये आपकी मिसाइल कर लेगी द मिसाइल इम्पैक्टेड द डेसिग्नेटेड टारगेट डिस्ट्रॉयड द फाइनल इम्पैक्ट इवेंट वज कैप्चर्ड ऑन कैमरा वीडियो वीडियो भी सब इसका पड़ा हुआ है आप ट्विटर पर जाके देख सकते हो अगला है हमारा ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर तो सबसे इंपॉर्टेंट इस बार का इन्वेंशन हमारे डी ने की है ठीक है और उन्होंने फ्लाइंग डेमोस्ट्रेटर बना के दिखाया है और उसका सक्सेसफुल रनिंग इसकी जो है फर्स्ट ऑफ जुलाई 2022 को कर्नाटक के चित्र दुर्ग में आपका कैरी किया गया ना ये एक तरीके से आपका हम कह सकते हैं यूएवी है आपका जो कि सर्वेलेंस के लिए सबसे ज्यादा काम आपका आएगा और पिछले साल की सबसे बड़ा अगर हम देखें मेजर ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस में अदर रैंक्स के लिए तो वो था आपका अग्निपथ स्कीम अग्निपथ योजना बवाल भी काफी हुआ था ना इस पर तो चाहे वो आपका वायुवीर हो नौसेना वीर हो या फिर आपका सैनिक वीर हो थल सैनिक वीर हो तो उसके लिए अग्निपथ की स्कीम भारत सरकार के द्वारा लाई गई जिसमें कहा गया कि अब हम जो और सोल्जर्स को लेते हैं अदर रैंक्स में अब उनकी जो सर्विस रहेगी वो सिर्फ चार साल की रहेगी ठीक है मान लीजिए हंड्रेड सोल्जर्स आए तो सेवेंटी फाइव परसेंट लोगों को जो है चार साल के बाद निकाल दिया जाएगा और उसमें जो ट्वेंटी फाइव परसेंट की मेरिट ऊपर रहेगी बेहतर काम करे रहेंगे उनको सर्विस हम एक्सटेंड कर देंगे ना तो अब इंटीग्रेटेड अप्रोच से लेकर आए हैं जिसमें जो है इनके लिए सेवानिधि पैकेज भी है ना कि बेहतर तरीके से आपका ये काम कर सकें द रिस्पॉन्स फ्रॉम पेट्रिया यूथर्ड्स दस स्कीम इंकरेजिंग ओवर फिफ्टी फोर लैक्स रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग थ्री सर्विसेस न जिसमें इंडियन आर्मी थर्टी सेवन लैख नेवी अप्रॉक्स टेन लैख एयरफोर्स अप्रॉक्स सेवन लैख सेवेंटी थाउजेंड ना तो अब आप तो आपका पूरा दौड़ वाड़ हो भी चुकी है न और सभी को जो है आपका इंडेक्ट कर भी लिया गया है और बेहतरीन तरीके से ये काम आपका होता जा रहा है अगला इवेंट है न्यूज़ ना तो देखिए इंडियन आर्मी ने सौ नए के नाइन वज होविजर सेल्फ प्रोपेड होविजर टैंक को जो है अब प्रोक्यूर करने की अपनी मंजूरी दी है और ये सौ नए आपके अत्याधुनिक जो टैंक्स हैं अब लार्सन एंड टूब्रो के द्वारा भारत में ही आपके बनाए जाएंगे जिनको भारत के नॉर्दन बॉर्डर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के तरफ आपका लगाया जाएगा द इंडिजीनियस एटीए जीएस वन फिफ्टी फाइव एम एम फिफ्टी टू कैलिवर होविजर यूटिलाईज फॉर सेरिमोरियल फायरिंग द रेड फोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे आर स्टिल अंडर गोइंग ट्राइवल्स ठीक है और ये साउथ कोरिया की टेक्नोलॉजी है इसमें हमने काफी आपके बदलाव किए हैं और इस अब जो सौ नए होविजर आएंगे उसको लार्सन एंड टूब्रो के द्वारा बनाया जाएगा आपके गुजरात की फैक्ट्री जहां पर उनकी है ठीक है तो काफी इंपॉर्टेंट है ये आपका और लार्सन एंड टूब्रो साइंड अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट विद साउथ कोरियन बिजनेस हनावा कॉपरेशन आफ्टर विनिंग ऑफ फोर्टी करोड़ फोर्टी करोड़ मेक इन इंडिया कॉन्ट्रैक्ट तो देख लीजिए पैंतालीस करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट के साथ इन्होंने टेक्नोलॉजी ले ली है साउथ कोरिया से और भारत की जो लार्सन एंड टूब्रो कंपनी है वर्ल्ड की टॉप फाइव आपकी डिफेंस कंपनी में ये आती है उनके द्वारा जो है ये नए वज होविजर इंडियन आर्मी के लिए बनाए जाएंगे और इस क्लास का ये जो लास्ट इवेंट है ना इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पर आएंगे और ये नहीं कि सिर्फ अब खल, क्लास खत्म हो रही है कल हम फिर आएंगे ना इंडियन आर्मी के सेकेंड पार्ट को लेकर तो देखिए वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट सिप्री 2022 तो इसी साल अरे इसी साल मतलब पिछले साल 2022 वाले में ओके तो सिप्री सिप्री का फुल फॉर्म देख लो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है यूरोप स्वीडन की एक संस्था है जो कि वर्ल्ड के डिफेंस मिलिट्री एक्सपेंडिचर उनके आर्मामेंट्स पर अपनी रिपोर्ट हर साल पब्लिश करती है इनके द्वारा कहा गया है कि द ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर हैज क्रॉस्ड टू ट्रिलियन यूएस डॉलर मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम दो ट्रिलियन डॉलर तो बहुत सारे देश हैं, सौ से ज्यादा देश हैं जिनकी इकोनॉमी भी नहीं है यहां तक कि रशिया की इकोनॉमी भी टू ट्रिलियन डॉलर नहीं है विद द यूएस द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बींग द टॉप स्पेंडर और ऐसा जो है सिप्री की आपकी रिपोर्ट कही गई है और भारत इसमें जो है आपके तीसरे पोजिशन पर है सिप्री सेट दैट टोटल ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर इनक्रीज बाई जीरो पॉइंट सेवन परसेंट इन टर्म्स इन रियल टर्म्स इन ट्वेंटी ट्वेंटी डॉलर फाइव लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपेंडर देख लें तो यह है आपका अमेरिका चाइना भारत यूके रशिया ठीक है जो पूरे वर्ल्ड का सिक्सटी टू परसेंट डिफेंस एक्सपेंडिचर में अपना पैसा आपका देते हैं और अमेरिका तो आप देखते हो कि एट हंड्रेड वन बिलियन डॉलर जो है आपका खर्च कर रहा है और वो तो अपना बढ़ाता चला जा रहा है क्योंकि अमेरिका को खुद का तो डिफेंस बजट देखना है साथ ही साथ काफी देशों में प्रसाद भी बांटना है जैसे यूक्रेन हो गया ताइवान आपका हो गया है ना और जापान हो गया वहां पर भी ये पैसा अपना लगाते हैं इंडियाज मिलिट्री डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज टू 76.6 बिलियन इन 2021 मार्किंग अ 0.9 परसेंट हाइक ओवर 2020 फिगर्स अब तो भारत और भी बढ़ा रहा है ना पांच लाख कुछ करोड़ रुपए जो है आपका पांच लाख करोड़ भारत का जो है डिफेंस एक्सपेंडिचर है और भारत अभी देखिए हाल ही में एट्टी फोर थाउजेंड का जो है इन्होंने कैपिटलाइजेशन किया है और चौरासी हजार करोड़ के साथ ये जो है आपका डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेंगे आप सभी डिफेंस एक्सपेडेंट सबसे पहले एस क्रैक एग्जाम के सभी चैनल्स को क्या करिए सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है और इस वीडियो को लाइक देते जाइए नया साल है बच्चों बताओ ना? अंग्रेजों का नया साल है तारीख बदल गई है और ये तारीख जो बदली है वो आपके लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करे तो चलिए एक बार पूरे कमेंट बॉक्स में ना ओम नमो पार्वती पते नमा हर हर महादेव इसी के साथ आपका साल अच्छा जाए और हम आगे बढ़ते हैं आप सभी इस सभी कोर्सेस में जिसमें आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं एनडी सी टी एस टेरिटोरियल आर्मी सी ए पी एफ ए सी सी इन सब में अपने आप को एनरोल करके अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं सभी क्लासेस सभी कोर्सेज के बंडल्स टेस्ट सीरीज आपकी चल रही हैं और इस क्लास की पीढ़ी आप हमारे ब्लॉग टेलीग्राम साथ ही साथ हमारे ऐप को डाउनलोड करके ले पाएंगे वॉरियर टेन कोड का आप यूज करें जिससे कि आप बेहतर तैयारी कर सकें चलिए समय आ गया है रिव्यू क्वेश्चंस का ठीक है चलिए 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 रिव्यू क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना मुझे तो प्यास लग गई पानी भी मैंने नहीं रखा है तो अब हम रिव्यू क्वेश्चन करेंगे चलिए हर हर महादेव इसी के साथ पहला क्वेश्चन हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू डिफेंस सेक्रेटरी राजीव कुमार अरमानी गिरधर अनिल देशमुख नन ऑफ देव क्लास में सभी बच्चे जुड़ते जाइए ना और लाइक शेयर दबा के करिए हम्म वेरी गुड वेरी गुड एंड द करेक्ट आंसर इज श्री अरमानी गिरधर ओके okay? तो ये आंध्र प्रदेश के आंध्र के आंध्र प्रदेश के कैडर के ऑफिसर हैं आई ऑफिसर हैं और इनको जो है अब डॉक्टर अजय कुमार

अक्टूबर 2022 को अपनी 76 इन्फेंट्री डे मनाया है और आप सभी जानते हो कि ट्वेंटी अक्टूबर 1947 को जो है भारतीय थल सेना ने जो है श्रीनगर में पहला कदम रखा था अपना पहला ऑपरेशन करने के लिए इसलिए इन्फेंट्री डे हम मनाते हैं। वर्ल्ड स्टॉप मिलिट्री एक्सपेंडिचर नेशन अकॉर्डिंग टू सिप्री रशिया इंडिया चाइना अमेरिका एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी दैट इज दी अमेरिका ठीक है देखिए कौन है ये अमेरिका द रायसेना डायलॉग इज अ मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस हेल्ड एनुअली इन कोलकाता नई दिल्ली मुंबई कोची तो हर साल आपका रायसेना डायलॉग होता है ना जिसको भारत ही होस्ट करता है जिसमें विश्व के सभी देशों को बुलाया जाता है उनके डिप्लोमेट्स को उनको लीडर्स को बुलाया जाता है तो बताइए राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द नई दिल्ली ना तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल इसको ऑर्गेनाइज किया करती है और ये यूरोपियन यूनियन की जो है चांसलर हम कह सकते हैं ठीक है हेड है रिप्रेजेंटेटिव है, है ये भारत आई थी अगर इनका किसी को नाम याद हो तो आप बता दो मैं नाम भूल रहा हूं इनका द नाइंथ एडिशन ऑफ इंडिया किर्गिस्तान ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड एट वेयर बाकलो रानीखेत, पुणे झांसी चलिए बताते जाइए फटाफट सभी के आंसर आने चाहिए एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए बाकलो हिमाचल प्रदेश में नाइन्थ एडिशन इंडिया किर्गिस्तान के बीच आपका कंडक्ट किया गया अच्छा क्या कोई बता सकता है कि इस एक्सरसाइज का नाम क्या था इस एक्सरसाइज का नाम क्या था इंडिया किर्गिस्तान के बीच में होने वाली अगला क्वेश्चन लेफ्टिनेंट जनरल रैंक ऑफ इंडियन आर्मी इज इक्वलेंट टू विच रैंक ऑफ एयर फोर्स इक्वलेंट इक्विवेलेंट टू विच रैंक ऑफ एयरफोर्स लेफ्टिनेंट जनरल रैंक फटाफट आंसर देते जाइए आप सभी और जानते रहें कि इसका आपका राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी दैट इज द एयर मार्शल और आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया खंजर ठीक है खंजर एक्सरसाइज किर्गिस्तान के बीच में एक्सरसाइज किसके बीच में कजाकिस्तान के बीच में तो कंफ्यूज ना होइएगा एक्सरसाइज संप्रति टेंथ एडिशन हेल्ड इन वेयर जाशोर बांग्लादेश रानीखेत उत्तराखंड ढाका बांग्लादेश या फिर इनमें से कोई नहीं तो लगातार आप सभी के आंसर आने चाहिए एक्सरसाइज संप्रीति का टेंथ एडिशन कहां पर कंडक्ट हुआ इस बार और हम सभी जानते हैं एक्सरसाइज संप्रीति भारत और बांग्लादेश की आर्मीज के बीच आपका कंडक्ट किया जाता है सो इट इज कंडक्टेड एट जाशोर बांग्लादेश ठीक है अगला क्वेश्चन हु हैज पार्टिसिपेटेड इन द खान क्वेस्ट 2022 एक्सरसाइज इन मंगोलिया एयर फोर्स नेवी कोस्ट गार्ड आर्मी खान क्वेस्ट एक्सरसाइज में इस बार भारत की तरफ से किस फोर्स आपकी गई थी और ये भी याद रखे खान क्वेस्ट एक्सरसाइज मल्टी नेशनल है। मंगोलिया के उलान बतार में होस्ट की गई थी और 16 देश इसमें आपके मौजूद तो इस थी, उसमें भारती थी ना? सभी देशों के झंडे आप देख सकते हो ये, ये देश आपके शामिल थे अगला क्वेश्चन में इंडियन आर्मी को किस रेजिमेंट ने आपका रिप्रेजेंट किया सिख जेके लद्दाख स्काउट लगातार आंसर देते जाइए बच्चों बताइए फटाफट 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 सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी दैट इज लद्दाख स्काउट्स ठीक है तो लद्दाख स्काउट के द्वारा जो है इसमें पार्टिसिपेट किया गया एक्सरसाइज सियाम भारत कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच नेशन थाईलैंड ओमान यूएई या फिर मालदीव्स लगातार बताते जाइए आंसर ऑप्शन ए दैट इज द थाईलैंड अगला क्वेश्चन मित्र शक्ति एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया इंडोनेशिया यूके श्रीलंका या फिर थाईलैंड तो आप सभी को बताना कि मित्र शक्ति एक्सरसाइज भारत इनमें से किस देश के साथ आपका कंडक्ट करता है ना इतने बेहतरीन तरीके से आप सभी पढ़िए कि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के बाहर ना जाने पाए क्योंकि मैं आपको हर चीज प्रोवाइड कर दे रहा हूं डिफेंस से रिलेटेड ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपके एग्जाम में मैंने ना पढ़ाया इससे पहले भी जितने भी एनडीए डी के एग्जाम हुए हैं सभी क्वेश्चन इसी क्लास के आपके पूछे जाते रहे हैं तो आपको विश्वास बनाकर रखना है और ईमानदारी के साथ आप पढ़ा पढ़ाई करिए एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी भारत और श्रीलंका के बीच एक्सरसाइज आपकी की जाती है चलिए एक क्वेश्चन और यू हैव टू आइडेंटिफाई द लीडर ये कौन लीडर है बताइए मास्क लगाए हैं बताइए हैंड्स ओवर ट्वेल्व हाई स्पीड गार्ड्स बोट टू वियतनाम इज बिल्ड बाय विच इंडियन कंपनी अभी हाल ही में भारत ने जो है बारह नए आपकी हाई स्पीड बोट को वियतनाम को दिया है तो ये जो बोट्स हैं ना हाई स्पीड गार्ड बोट्स उनको भारत के किस कंपनी ने डेवलप किया है डीआरडीओ इसरो डीआरडीओ इजरायली इसरोलीस इंडस्ट्री लार्सन एंड टूप्रो या फिर इनमें से कोई नहीं लगातार बताते जाइए वेरी गुड जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी थे वो ओके वेरी गुड पहचान तो लिया आप सभी ने और आज की ठीक है, है जो रिव्यू क्लास चल रही है उसको आप सभी अपने फेसबुक पर भी और अपने स्टेटस पे लगा के भी आप शेयर कर सकते हैं जिससे कि और भी लोग जो है इससे बेनिफिटेड हो सके ना ये ना सोचिएगा अरे वो पढ़ लेगा उसका नंबर ज्यादा आ जाएगा इस मानसिकता से रहेंगे तो ना आपकी जो ग्रोथ रहेगी वो लिमिटेड हो जाएगी और आपको शून्य से अनंत तक जाना है सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी लार्सन एंड टूब्रो देखिए इसमें एक ही आंसर हो ही सकता है डी आर डी थोड़ी ना आपकी बोट वोट बनाती है और जब इंडियन कंपनी का नाम दिया गया तो इसमें इसराइल की कंपनी क्या कर रही है ये भी नहीं हो सकता है होगा तो सिर्फ ऑप्शन सी अच्छा ये बताओ भारत और वियतनाम के बीच में कौन सी मिलिट्री लेवल की एक्सरसाइज होती है नाम बताइए अगला क्वेश्चन अब यहां पे तो मैं आगे ये लिख दूंगा लेट लेट अंजलाई पोनू स्वामी वॉज अ साइंटिस्ट पुलिस पॉलिटिशियन फ्रीडम फाइटर मोनू जी ज्ञान तो जहां से मिलना है ले लो लेकिन ज्ञान को बांट भी दो ठीक है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरे को हाँ विन एक्सरसाइज बहुत अच्छे आप सभी तो बहुत होशियार हो गए हो ना अब आप इस क्लास के बाद जो है इयर इन रिव्यू कर लो तो भारत सरकार में मोदी जी के पास कह दो कि सर हम एन एस ए तो बन ही सकते हैं है ना इतना हमको पता चल ही गया है कि क्या हमारी आर्म फोर्सेस करती रहती है तो ये है आपकी फ्रीडम फाइटर ना रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट से ये बिलोंग करती थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में इन्होंने जो है आजादी की लड़ाई लड़ी और इसी साल जो है इनका देहावसान हुआ है तो हम सभी की तरफ से इनको सैल्यूट है और पूरी सच्ची श्रद्धांजलि नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो एक क्वेश्चन मैंने ले लिया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप पहला It was established in the wake of nuclear tests conducted by India in 1974. Second, this group is an organization of nuclear states that aims to proliferate the spread of nuclear weapons. Which of the following, which of the statement is given above is are correct? First, Dusra, both 1 and 2 or neither 1 or 2. पूरन आ गए पूरन लगता है चूरन खाने गए थे क्यों पूरन बताओ सब आपको मिस कर रहे हैं यहाँ पे सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज पहला सिर्फ पहला ठीक है तो भारत ने इंदिरा गांधी के सरकार में जब 1974 में भारत ने पहली बार आपका न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था तब एनर्जी आपकी बन गई थी ना किसने बनाया था परमानेंट फाइव ने बनाया था क्यों बनाया था कि भारत के ग्रोथ को रोक सके ना भारत ये सब टेक्नोलॉजी ना प्राप्त कर सके क्योंकि आप सभी जानते हो समाज में होता क्या है कि अगर कोई अच्छा करने जाएगा तो दस लोग उसकी पहले टांग और पैंट खींचने लगेंगे नहीं नहीं लेकिन भारत ने सेवेंटी फोर में भी किया और फिर नाइनटीन नाइन्टी एट में किया ठीक है दिस ग्रुप इज देशन ऑफ न्यूक्लियर स्टेट दैट इन्स टू प्रोलिफरेट स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन देखो प्रोलिफरेट नहीं ना नॉन प्रोलिफरेशन प्रोलिफरेट का मतलब क्या होता है प्रसार करना फैला देना ये नहीं करना है तो नॉन प्रोलिफरेट करना इसलिए दूसरा वाला गलत है आपका ठीक है चलिए अब आ गए हो पूरन जी अब इसको पूरा ही करके जाइए अगला क्वेश्चन तुम भारत के वीर हो तुम अपने देश के रक्षक हो इज द मार्च पास सॉन्ग ऑफ जे के लाइक जाट पैराशूट या फिर इनमें से कोई नहीं चलो फटाफट फड़ बताते जाओ और जितने भी अफकेट वाले बच्चे हैं ठीक है आज से आपकी अफकेट की भी क्लास शुरू होगी एनडीए की भी शुरू होगी और किसकी है सीडीएस की भी शुरू होगी ना तो टाइम टेबल तो मिल गया होगा ना हिमांगी तो आज से हम हंड्रेड डेज का कोर्स जो है लॉन्च कर रहे हैं और जिसको भी हमारे कोर्सेज में इनरोल होना वो ले हो जाइए और जो हमारे पहले वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो क्लास आपकी फिर से आज स्टार्ट होगी तो इसका आपका राइट right आंसर है पैराशूट रेजिमेंट तुम भारत के वीर हो तुम अपने देश के रक्षक हो एक्सरसाइज वज प्रहार ट्वेंटी ट्वेंटी टू कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड हिमांगी टाइम अभी हम बता देंगे आपको ठीक है ऐप पर हम बता देंगे बाकी तो जितने भी प्लेटफॉर्म से वहां पे भी बता देंगे एक्सरसाइज वज प्रहार ओमकार जी हिमांगी सबको टाइम बता दिया जाएगा ठीक है अभी तो सब उठे हैं ना आंख एकदम मल रहे हैं भैया नींद आ रही है कल पार्टी वार्टी सब की है सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी अमेरिका 13 एडिशन ऑफ इंडिया अमेरिका ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज हेल्ड एट वेयर उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र हिमाचल प्रदेश तमिलनाडु and the right answer of this question is option C that is the himachal pradesh dash appoints two women cadre officers as ig of uh, rapid action force bihar sector bsf crpf army air force द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज दी आर पी एफ ठीक है तो इसमें जो है आपकी दो महिला ऑफिसर है जिनका नाम है आई जी सीमा धुंधिया ना और आपकी आई जी एनी एब्राहम इनको जो है आपका बनाया गया है अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज सिंगी प्रहार कंडक्टेड बाय त्रिशक्ति कोर चिनार कोर वाइट नाइट कोर या फिर आपका नन ऑफ द एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए तो मैंने पढ़ाई थे आपको कि सिक्किम में सिक्किम में याद रखे रहिए ना ये डोमेस्टिक एक्सरसाइज है सिक्किम में जो है इंडियन आर्मी ने शक्तिकोर, के त्री शक्ति कोर जो कि नॉर्दर्न कमांड के अंतर्गत आती है उन्होंने ये सिंगे प्रहार एक्सरसाइज किया है याद रखे रहिएगा वॉट इज द थीम ऑफ इंडिया जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी इन इंडिया सेव अर्थ प्रतीक सर ने भी ये कवर कराया होगा बताइए

155 mm आर्टिलरी गन बनाने का ऑर्डर मिला हुआ है आर्मेनिया बहुत गुस्साया हुआ है अजरबैजान से कि मारेंगे तुमको बहुत सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड ज़ोरावर ज़ोरावर इज अ टैंक हेलीकॉप्टर सबमरीन असॉल्ट राइफल ज़ोरावर क्या है इनमें से अरे राज जी करंट अफेयर की क्लास हो रही है ना बच्चे जो भी टीचर ले रहा है पढ़िए उससे पढ़ने से मतलब है ऑप्शन ए इज करेक्ट ठीक है देखिए जोरावर टैंक का डिजाइनिंग पूरी कंप्लीट हो गई है और इसको सबसे पहले हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री के द्वारा बनाया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज न्योमा एयरफील्ड लोकेटेड चाइना लद्दाख पिशावर अम्बाला करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दे लद्दाखम इंडियन आर्मी रूप रायोर मंजू भारतीय आकाश गोताखोर कौन बन गई है हिंदी में यही कहेंगे ना इसको चलो फटाफट लगातार आंसर देते जाइए आप सभी तेजी से एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज लांस नायक मंजू थर्ड नो नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन चेन्नई बेंगलुरु नई दिल्ली या फिर नोएडा थर्ड नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन चेन्नई बेंगलुरु नई दिल्ली नोएडा एंड द करेक्ट आंसर इज नई दिल्ली ठीक है तो देख लिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको आपका ऑर्गेनाइज किया था आप सभी अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के, लिए, क्रैक के कोर्स में होकर अपने आने वाले एस एस बी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं और आप सभी अपने भाई बहन अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ भी इस कोर्स को शेयर करिए समय आता है क्वेश्चन ऑफ द डे का सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द टैंक जो नहीं बताएगा तो उसको इसी टैंक पर बैठाकर घुमाया जाएगा ठीक है इसका आंसर कल के नेक्स्ट सेशन में देखेंगे तो एक बार फिर से आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं इन सभी रिटर्न कोर्सेज में आप इनरोल हो सकते हो सभी कोर्सेज के लाइव क्लासेस बंडल स्टेसरीज चल रही हैं इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे ब्लॉग टेलीग्राम और हमारे ऐप पर मिल जाएगी वॉरियर टेन कोड का आप यूज़ करें जिससे कि आपको टेन परसेंट का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पर मिलता जाएगा